तरीके से कुछ मौसम हुआ पड़ा है जो बारिश होने के बाद बंद हो गया है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं अभी ताज़ा ताज़ा बारिश हुई है और वहाँ पे तुलसी माता को मैंने दिया जला दिया है बारिश बंद होने के बाद। और इस तरीके से कुछ मौसम, नीले नीले आसमान। तो गाइज यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। और मैंने यहाँ एक कान इसका टूट गया है कढ़ाई का, मैंने रख लिया है इंडक्शन पे। अब मैं यहाँ सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। सरसों का तेल ही अधिकतर हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है, रिफाइंड बहुत कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि सरसों का तेल सही होता है और घर का होता है। और जब घर का ख़त्म हो जाता है तभी हम लोग रिफाइंड या सरसों यूज़ करते हैं मार्केट वाला। यहाँ मैं पनीर को कुछ डाल के पनीर को ना लाल कर ली थी और फिर उसके बाद आधा डाल दी थी। तो यहाँ पे मैंने फिर उसी तेल में डाल दिया है जीरा जीरा और फिर प्याज डाल दिया है। और प्याज को एकदम ब्राउन कर लूँगी। एक बार मैंने बोल दिया था प्याज को लाल कर लूँगी तो किसी ने मुझे बोला ब्राउन होता है, तो मैं ब्राउन कर लूँगी। चलो गलती सही होती रहती है तो उसी से सीखना चाहिए। यहाँ पे लहसुन, मिर्च, अदरक, प्याज और खड़े मसाले का थोड़ा सा है वो मैंने पीस लिया था और उसमें डाल दिया है मैंने राजेश मसाला 1 चम्मच और हल्दी डाल दिया, बस इतना ही डाला था। यहाँ ब्राउन हो गया है मेरा प्याज और उसके बाद यहाँ मसाला डाल ली हूँ। फिर मैं नमक ही डाल देती हूँ साथ में, क्योंकि नमक भी पक जाए कभी भी डाल, मतलब मुझे लगता है और मैंने पढ़ा भी था कि लास्ट में नमक नहीं डालते क्योंकि ना उससे नमक कच्चा रह जाता है, सही नहीं रहता। तो यहाँ पे मलाई मैंने डाल दिया है 1 चम्मच भर के। तो अभी बहुत ही सुंदर कलर आने वाला है, आप देखना। और जो पनीर था ना, मैं मेरी आदत रहती है पनीर का पानी मैं गर्म करके ही डालती हूँ, तो पनीर उसमें पनीर भी मैं डाल देती हूँ। बस कई लोग होते हैं हल्दी नमक भी डाल देते हैं, लेकिन नहीं, मैं पानी में ही बस पनीर को डाल देती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए मसाले का कलर कितना सुंदर आ गया। यहाँ मैंने वो वाला मटर होता है ना खरीद के लाई थी, तो वो मैंने डाल दिया था जब मसाले हो गए थे, मलाई डाला था उसके बाद मैंने डाल दिया ताकि मटर ठीक दिखे। और ज़्यादा मसाले के साथ मटर डाल के चलाने पे ना मटर जो होता है ना टूट फूट सा जाता है, तो अजीब सा लगता है। तो इस तरीके से देखिए और बहुत ही सुंदर लग रहा है मसाला, मैं क्या बताऊँ। आप लोग के मुँह पर पानी तो ज़रूर आने वाला है, लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और तो मैं क्या करती हूँ ना, पानी में ही पनीर को बॉयल कर लेती हूँ और वो पानी ही सहित पनीर को डालती हूँ, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हो जाता है पनीर। तो यहाँ देखिए मैंने डाल दिया, ज़्यादा नहीं, हम मम्मी ही थे तो हम लोग बनाए थे। और मैंने अपने हाथ का टेस्ट करवाने के लिए अपने फ्रेंड को दिया था खाने के लिए। तो गाइज़ यहाँ पर मटर पनीर बन के तैयार हो चुकी है, आइए आप सब भी खा लीजिए। दाली के अंदर पैर ना रखा गया, चला निकल इधर से, चला जब मन करो तो खोए के आओ, खोए के चल जाओ, मौरत तो के खींच गया, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, चलो निकलो। देखो तो नहीं चली आज, कैसे जाइए या बाउंड्री डाक के शाबाश। एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी। तो देख रहे हैं आप, 2 दिन बाद आया था, खा के चला गया था, फिर 2 दिन बाद आ रहा है। पूरा दिन पता नहीं कहाँ घूमे, मैंने भगाया भी तो चला गया, मतलब भाई दिमाग है मानना पड़ेगा। तो चलो मॉर्निंग मेरी हो चुकी है, यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है और अब जा रही हूँ मैं नाश्ता करने। भाग कहे हम, भाग जो यहाँ से, कौनो आ जाओ इतना है, भाग यहाँ से, चल दे अल्लाह तुरंत। बाउंड्री क्रॉस कर, आज से आपके कहला, आज से आपके दहलीज पे हम सब नहीं रखेंगे, पैर नहीं रखेंगे, चल दे अल्लाह टसण में। बस खाए आवत हम 2-2 दिन पर, कैसन हो गई ना, खा तो ना ठीक लगा था ना, फिर वैसे ही हो गई ना।
मोबाइल कोई वर्क करता है क्या आपका? हम ब्लॉग करते हैं, बनाते हैं ना, ब्लॉग बनाते हैं ना, ब्लॉग तभी आप बोले इतना इतना क्यों सामान है। अभी आएगा एक दो और आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो दो दिन बाद मैं आज मोबाइल उठाई हूँ वीडियो बनाने के लिए। दो दिन से मैं कोई वीडियो नहीं बना रही थी और ये चीज़ें आप देख रहे होंगे ना, मैं सामान सारे व्यवस्थित कर रही थी, इधर उधर पड़ा हुआ था। तो मैं नहीं रिकॉर्ड करती है, मेरी आदत नहीं है तो रिकॉर्ड नहीं करती। और ये देखें, दो दिन बाद आ चुके हैं, आ गए हैं। अब फिर देखिए चार दिन बाद कैसे जाते हैं, लेकिन इनको मैंने भगा दिया था, दो दिन बाद आए हैं। नाश्ता पानी हो चुका है मेरा, चलते हैं देखते हैं क्या है ये। ये दाने आप देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा निकल गए हैं। तो होम्योपैथिक दवा में होता है कि एक बार होम्योपैथिक दवा जब करते हैं तो दाने निकलते हैं, फिर अंदर जाते हैं। तो मैंने कुछ अमेजोन से सामान मंगाया था, अभी गंदे दिख रहे हैं दाने यार। तो अमेजोन से कुछ सामान मंगाया था और वही मैं आपको देखने को मिलेगा सब। लेकिन मैंने एक आई लेंस मंगाया था, लेंस पैक है डेली, ये आ गया। इसका लेंस का जो पानी होता है ना, उसको लेंस उसमें रखते हैं साथ, वही आ गया। ये देखिए, इसको रिटर्न मारना पड़ेगा। मैं देखी मैं कहीं किस कलर का लेंस है देखूं, तो देख रही हूँ तो ये देखें, इसमें से लेंस गायब, इसको रिटर्न मारना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। और लेंस से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं अपने एंगेजमेंट पे लेंस लगाने की जिद कर रही थी। पार्लर वाली बोली थी कि आप लेंस लगाने पे ना अलग ही लुक आता है, तो मेरा नशा चढ़ गया था। मैं बोली मुझे लेंस लगवाना है, मुझे नहीं पता। तो लवली से मैंने कहा था, और लेंस 1000 में, 1200 में कि 1000 में 10 मिल रहे थे। तो लवली से मैंने कहा मुझे लगवाना है, तो बोले ठीक है पैसे भेज देता हूँ, लगवा लो। तो उन्होंने 1000 रुपये भेजा था, तो मैंने लेंस लिया था और शादी के टाइम पे भी यूज़ की थी और एंगेजमेंट में भी यूज़ की थी। ऐसे ही हमारी छोटी छोटी यादें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। सामान बिखरे पड़े हैं कुछ इस तरीके से, कान की बाली पता नहीं कहाँ मैंने रख दी, मैंने रखा तो डिब्बे में ही था, पता नहीं कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। ये होगा उसी डिब्बे में, देखना पड़ेगा, लेकिन खाली हो गया यार। अब मैं छोटी सी बाली डालती थी, सही था, क्या डालूं मैं बाली। मम्मी सारे दौड़ा ले, तो कहा करे के रहा जाना, कहा बचल हो। मैं सामान बिखरे होते हैं ना तो मुझे टेंशन हो जाती है। मैंने 3 दिन से बाल भी नहीं झाड़ा है, इसी चक्कर में, बस पेपर के चक्कर में। देख लो कल को पछतावा ना रहे कि बॉक्स में तो नहीं चला गया। वैसे इसमें नहीं गया है, इयरिंग वाले डिब्बे में ही कोई रख दिया मैंने, इसको भी इधर ही रखती हूँ। शाम को थोड़ा सा फ्री होंगी ना तो खोजूंगी, पता नहीं कहाँ गायब कर दी यार, मतलब गायब नहीं, ज्वेलरी में ही है वो इयरिंग के, कान में डाल लेती सही रहता, एग्जाम देने जाना है। सॉरी गाइस, मैं जा रही हूँ पढ़ने अब, क्योंकि अभी ऐसे ही दौड़ा भागी वाला आपको वीडियो मिलने वाला है, तो कुछ नहीं किया जा सकता इसका।
और थोड़ा सा आराम भी करना है। और मैं सही बताऊँ तो दाने देख के ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, सच्ची बोल रही हूँ। लेकिन ठीक है, ठीक हो जाएगा। दवा छोड़ देती ना खाना तो सही हो जाता। मैंने डॉक्टर से बात की है तो डॉक्टर, चलो बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो अपना।